देखिए, सुल्तान ने सबको किस तरह बेवकूफ बनाया है और सभी बेवकूफ बन चुके थे, लेकिन जो असरा है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, वो भी मशल के ऊपर शक करके। सुल्तान तो यही चाहता था कि जो असरा है वो मशल से लड़ पड़े, तो वो मशल से लड़ पड़ी है। मशल असरा से नाराज होकर इस घर से जा रही है। अब जो असरा है वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, वो सोच रही है कि मैंने ये क्या कर दिया। असरा ये सोच कर परेशान है, मैंने तो सुल्तान के मोबाइल में मशल की तस्वीरें देखी हैं, इसीलिए तो मैं मशल के पास गई हूं। लेकिन सुल्तान ने ये बहुत बड़ी चाल चली है, खेल खेला है, लेकिन ये खेल किसी को भी समझ नहीं आया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सारी डिटेल देने वाला हूं शिद्दत ड्रामे के आने वाले एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। गुजारिश है, वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो की तरफ चलते हैं। असरा की जो सास से वो असरा से पूछती है कि जो मशल है वो आपसे क्यों नाराज है, वो तो इस घर से जा रही है, कोई ना कोई तो बात है। लेकिन जो असरा है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, अपनी सास को ये वाली बात नहीं बताती कि मैंने मशल के साथ क्या किया है, मेरी वजह से ही मशल जा रही है। लेकिन जो मशल है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर इस घर से चली जाएगी। लेकिन जो असरा की सास है वो मशल से पूछती है कि क्या बात है, आपको ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप इतनी जल्दी और इतनी नाराज होकर इस घर से जा रहे हैं। लेकिन वो बताती है कि मेरी एक दोस्त है जिसने मेरे ऊपर इतना शक किया, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूं, इसीलिए मैं इस घर से जा रही हूं। लेकिन जो असरा है वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान है, वो ये सोच रही है कि मुझे शक नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। अब असरा जो है वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान है, लेकिन जो मशल है वो भी परेशान है। सुल्तान तो बहुत ही ज्यादा खुश है, वो तो यही चाहता था मशल की और असरा की दोनों की लड़ाई हो जाए, ये दोनों ही एक दूसरे से जुदा हो जाए। सुल्तान ने मशल से बदला लिया है, क्योंकि जो मशल है वो असरा को कहती थी कि सुल्तान जो है बहुत ही घटिया लड़का है, आपने इससे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और सुल्तान ने मशल की बातें सुन ली थी, इसीलिए सुल्तान ने मशल से बदला लिया है और उसे इस घर से निकाला है। लेकिन इस बात का मशल को भी नहीं पता कि ये चाल जो है सुल्तान की है, ना ही असरा को इस बात का पता है कि ये चाल सुल्तान ने चली है। लेकिन असरा को इस बात का बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि ये सारे काम जो किए हैं वो सुल्तान ने ही किए हैं, ये सोचकर असरा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। अच्छा, हमें एक बात की समझ नहीं आ रही कि सुल्तान आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, वो भी असरा के साथ। ऐसी कौन सी दुश्मनी है असरा के साथ जिसकी वजह से ये असरा को इतना परेशान कर रहा है। लेकिन असरा को ये भी कहता है कि आपने ये ऐसा क्यों किया, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको पता नहीं क्या हो गया, आप उल्ट उल्ट बातें करने लगी हो। लेकिन सुल्तान को अपना नहीं पता, सुल्तान ने ही असरा को परेशान करके रखा हुआ है, कंफ्यूज करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से असरा बहुत ही ज्यादा परेशान है। सुल्तान जैसा घटिया बंदा हमने कभी नहीं देखा, ये अपनी बीवी को ही परेशान देकर खुश होता है। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में जो होने वाला था और जो होगा मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।